बड़ी खबर, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की खबर सामने आ रही है। हेलीपैड से 100 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है हेलीकॉप्टर की, और हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 यात्री सवार थे। आपको बताएं कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, कोई तकनीकी खामी बताई जा रही है, पूरी खबर आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ में ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से हेलीपैड से 100 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, जिसमें 6 यात्री सवार थे। तो तस्वीरें केदारनाथ की है, जहां पर हेली सर्विस चलती है फाटा से केदारनाथ तक, और हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके की खराबी थी, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए उदेश, केदारनाथ की यात्रा करने जो लोग आते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैदल यात्रा या खच्चर के जरिए यात्रा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार हेली सर्विसेज ऑपरेट करती है। तिरसी, फाटा और गुप्तकाशी 3 हेलीपैड है जहाँ तक केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक करके जाया जाता है। आज सुबह 7 बजे के आसपास क्रिस्टल कंपनी का एक हेलीकॉप्टर तिरसी हेलीपैड से उड़ा था। 6 यात्री उसमें पायलट के साथ सवार थे, इन सभी को लेकर के वो केदारनाथ के हेलीपैड पर जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी हो गई जिसके चलते 100 मीटर पहले जहां हेलीपैड बना है केदारनाथ के यात्रियों के लिए, उससे 100 मीटर पहले एक खुले इलाके में उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये गनीमत रही कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी पेश नहीं आई, सभी 6 लोग सुरक्षित हैं। बहरहाल तकनीकी कारणों की जांच की जा रही, इसके अलावा ये भी देखा जा रहा कि आखिरकार ये इमरजेंसी की नौबत क्यों आई, हेली सर्विसेज क्यों प्रभावित हुई, क्यों दिक्कत आई, इन सब की जांच जो उकाटा है, जो संस्था है उत्तराखंड सरकार की, उसको करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उन्होंने पूरी घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और कहा यात्रियों की जान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, किसी भी तरह की जो तकनीकी कमियां हैं उनको दूर किया जाए, और उसकी पूरी रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।